हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माय नेम इज़ प्रीति और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पेट लवर प्रीति में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रैबिट्स को जो फ्रेंड्स रेड यूरिन की प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, और इसका हम ट्रीटमेंट भी जानेंगे, और फ्रेंड्स ये इनके मतलब रीजंस जानेंगे कि ये रैबिट्स को रेड यूरिन क्यों आती है। तो फ्रेंड्स चलिए बिना बातें किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रैबिट्स को रेड यूरिन फ्रेंड्स एक ही कारण की वजह से आती है। वो कारण होता है कि रैबिट्स जब रैबिट्स की बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो, खासकर पानी की कमी हो, तो फ्रेंड्स तभी रैबिट्स को जो रेड यूरिन है वो आते हैं। और फ्रेंड्स कभी कभार जैसे फीमेल रैबिट्स होती है, तो जब वो एडल्ट होते हैं तो फ्रेंड्स उसको एक बारी जो रेड कलर की यूरिन होती है वो आते हैं। और अगर फ्रेंड्स यही प्रॉब्लम मेल रैबिट में हो रही है तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, तो फिर फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि रैबिट्स को जो रेड यूरिन है वो पानी की कमी की वजह से आ रही है। तो फ्रेंड्स जब रैबिट्स को रेड यूरिन आती है तो हम उसको पानी से जो पानी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। और जैसे कि हम उसे अगर पानी नहीं पीता है तो हम रैबिट्स को खाने में हम जो वेजिटेबल्स है उसको हम धो के दे सकते हैं, ताकि वो जब वेजिटेबल्स जो है वो खाए तो उसके साथ ही साथ वो जो पानी है थोड़ा थोड़ा उसके बॉडी में जाए। और फ्रेंड्स अगर रैबिट पानी पी रहा है तो वो तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप उसको वाटर स्पिनच दे सकते हो, फ्रूट्स में वाटरमेलन दे सकते हो, और कुकुम्बर दे सकते हो, खीरे। तो फ्रेंड्स इस तरह की सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम दे सकते हैं रैबिट्स को, जिससे जो रैबिट्स को रेड यूरिन आ रही है वो फ्रेंड्स वो आने बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स जब भी रैबिट्स को पानी की कमी हो जाती है तो रैबिट्स को रेड यूरिन आते हैं। और जब हम उसको खीरे और वाटर स्पिनच और भी कई सारे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, तो जब हम उनको देते हैं पानी वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो फ्रेंड्स उससे क्या होता है कि उसकी पानी की कमी पूरी हो जाती है और उसको रेड यूरिन आना बंद हो जाते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।